खबर राजनांदगांव से है, जहां मां बमलेश्वरी की नगरी में परिक्रमा पथ बनने जा रहा है। यह पथ अन्य तीर्थ स्थलों को मां बमलेश्वरी के दरबार से जोड़ेगा। इसके लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन की ओर से सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। अधिकारियों ने सर्वे रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। इसके निर्माण से डोंगरगढ़ आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधाएं बढ़ जाएंगी। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। परिक्रमा पथ के लिए राज्य शासन ने सर राशि स्वीकृत की है, ये सर क्या संबंध बना है डेवलप करने के लिए डोंगरगढ़ को? हाँ, शासन की मंशा है कि डोंगरगढ़ चूँकि स्टेट का बहुत ही एक अच्छा स्थल है और काफ़ी दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे अलग अलग धर्मों का एक अच्छा धार्मिक स्थल है, तो उसको डेवलप करने के लिए शासन पहले भी लगातार वहाँ पर काम करती रही और अभी परिक्रमा पथ के लिए बजट में वहाँ पर प्रावधान हुआ है, तो उस पर तैयारी चल रही है।